लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक ऐप की शुरुआत की है और उस ऐप के माध्यम से स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोफेसर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, अगर बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो वो उनको दूर करेंगे। इनकी शुरुआत हमने की है, एक टच बेस टेलीमेडिसिन ऐप का हमने आज शुरुआत की है। इसमें कई बार ना कुछ बच्चों को इस प्रकार से एक डिप्रेशन में आते हैं कि भाई देखो पेपर नहीं हुए हैं, ये है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, बिल्कुल पहली बार वो उसको फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो हमारे पास प्रोफेसर हैं, तो हमने उनका सहयोग लिया है। लगभग 180 के करीब ऐसे हमारे पास प्रोफेसर हैं, उनका नंबर हमने दिया कि वो पूरे टाइम उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी बच्चे ने भी कोई बात करनी, उसके बारे में कोई जानकारी लेनी, तो प्रोफेसर साहबान से वो जानकारी ले सकता है, वो उसकी मदद करेंगे 100%, ताकि किसी को इस प्रकार की कोई समस्या ना आए। हाँ, लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन निर्णय तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी की बजाय भी मैं समझता हूँ सेंटर करेगा निर्णय, जो कि वो जिस प्रकार के दिशा निर्देश देता है। अब देखिए, हमारा मेरा अगर मैं सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ क्योंकि आज जमुनानगर में एक भी पेशेंट नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ थोड़ी छूट मिल जानी चाहिए। ये जो और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हैं, कई ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे जिनमें 8 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहाँ अभी तक एक पेशेंट भी नहीं है, तो कुछ छूट उनमें मिले, और जहाँ एक ही पेशेंट है या दो ही पेशेंट है वहाँ भी कुछ रियायत होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।